हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वर्ट एजुकेशन क्लासेज। हम लोग क्वेश्चनों का बैंक देखेंगे। टोटल हम लोग 5375 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक, यह श्रृंखला रोज 40-45 क्वेश्चन रोज किए जाएगा। टोटल हम लोग का जो टारगेट है वह 5375 क्वेश्चनों का श्रृंखला है एक। और आप लोग क्वेश्चन देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है। इटालियन फ्रेस्को की पेंटिंग किसके समान है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है, अजंता म्यूरल, बाघ चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, जयपुरी फ्रेस्को। इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुरी फ्रेस्को, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, बादामी गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं। पूछ रहा है कहाँ पाई जाती हैं बादामी गुफाएं। ऑप्शन दिया है, आईहोल, मिर्जापुर, रायगढ़, औरंगाबाद। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दो का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई होल। क्वेश्चन नंबर तीन है, तीन कह रहा है, मोनोक्रोम क्या है। ऑप्शन दिया है, रंगों की विभिन्न तान है। अगला ऑप्शन है, एक ही रंग के भिन्न तान है। ऑप्शन नंबर तीन दिया है, दो रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, रंगों का गाढ़ापन है। क्वेश्चन तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही रंग के भिन्न तान हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, रंगत क्या है। पूछ रहा है रंगत क्या है। ऑप्शन दिया है, कैनवास, ब्रश स्ट्रोक्स, वर्ण मिश्रण, वर्ण का गुड़। क्वेश्चन नंबर फोर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण का गुड़। क्वेश्चन नंबर पाँच है, मणिकुट्टिम कला संबंधित है। मणिकुट्टिम कला संबंधित है पूछ रहा किससे। ऑप्शन दिया है, बाइजेंटाइन कला, आधुनिक कला, गोथिक कला, शास्त्रीय कला। क्वेश्चन नंबर पाँच, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइजेंटाइन कला। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, छः, फ्रोजन म्यूजिक उपयुक्त किसके लिए उपयुक्त होती है। फ्रोजन म्यूजिक पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है, शास्त्रीय मूर्ति शिल्प के लिए। अगला ऑप्शन है, गोथिक लकड़ी का कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, स्टेन ग्लास चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी है, इटालियन चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेन ग्लास चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर सेवन है, सात, सेवन कह रहा है, दृश्य चित्र किस प्रख्यात अंग्रेज चित्रकार ने बनाया है। ऑप्शन दिया है, बर्दे, क्लाउड, टर्नर, पुंसा। दृश्य चित्र पूछ रहा है किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया है। सेवन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्नर। क्वेश्चन नंबर एट है, आठ, चित्रकला में सपाट लाइट की शुरुआत किसने की है। ऑप्शन है, रेम्ब्रा, राफेल, जान वान आइक, टर्नर। क्वेश्चन नंबर आठ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेम्ब्रा। क्वेश्चन नाइन, नौ, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिया है, कालिदास, वात्स्यायन, भरत मुनि, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर नौ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। क्वेश्चन दस, सत्य की अनुकृति की अनुकृति कौन है। सत्य की अनुकृति की अनुकृति है इसको कौन कहा है यह वाक। ऑप्शन दिया है, प्लेटो, क्रोचे, रस्किन, टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर दस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो।
सत की अनुकृति की अनुकृति है। क्वेश्चन 11 ग्यारह कह रहा है वर्ण का मुख्य कार्य है। ऑप्शन दिया है समरूपता मतलब संगति। अब अगला ऑप्शन है संरचना, अंतराल, भाव। इसका आंसर बताइए 11 का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समरूपता। क्वेश्चन 12 है मुख रंगों को बताइए कौन सा मुख रंग है। ऑप्शन दिया है लाल, नीला, पीला। ऑप्शन बी दिया है काला, सफ़ेद, हरा। ऑप्शन सी दिया है नारंगी, बैगनी, पत्ती का हरा। ऑप्शन अगला है सफ़ेद, काला, भूरा। क्वेश्चन नंबर 12 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख रंग है लाल, नीला और पीला, यह मुख रंग है। ऑप्शन 13 है 13 द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया है ए नारंगी, पत्ती का हरा और बैगनी। ऑप्शन बी दिया है काला, सफ़ेद, लाल। ऑप्शन सी दिया है पीला, लाल, नीला। ऑप्शन डी दिया है नीला, काला, सफ़ेद। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक रंग पूछ रहा है कौन सा है द्वितीयक रंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला, हरी, पत्ती, बैगनी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 14 उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसकी एक पेंटिंग 1.50 करोड़ मतलब 1,50,00,000 रुपए में न्यूयॉर्क में नीलामी हुई थी। ऑप्शन दिया है एम एफ हुसैन, राम कुमार, यश राजा, तैयब मेहता। क्वेश्चन नंबर 14 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तैयब मेहता, ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा है उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो 1.5 करोड़ में बिकी थी। ऑप्शन 15 है मथुरा की मूर्तियां किस पत्थर से गढ़ी गई हैं। ऑप्शन दिया है सर्पेंटाइन स्टोन, रेड सैंड स्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट। 15 पूछ रहा है मथुरा की मूर्तियां किस पत्थर से गढ़ी गई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड सैंड स्टोन। ऑप्शन 16 है कौन समकालीन भारतीय चित्रकार राज्यसभा का सदस्य बने थे। ऑप्शन दिया है सतीश गुजराल, राय कृष्णदास, यस राजा, एम एफ हुसैन। 16 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम एफ हुसैन, यही राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन नंबर 17 है भारत के संस्थापक समीक्षावादी चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन दिया है आर एस धीर, बी डी पांडे, के डी पांडे, आर सी शुक्ल। संस्थापक समीक्षावादी चित्रकार पूछा है भारत का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 17 का डी आर सी शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 18 है कोलाज क्या है। ऑप्शन दिया है पोस्टर कागज के साथ, अगला ऑप्शन है न्यूज़पेपर संयोजन के साथ, टुकड़ों का एक स्थान पर संयोजन, अभिलेख संयोजन। 18 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टुकड़ों का एक स्थान पर संयोजन। क्वेश्चन 19 है बनी ठनी चित्रित है। ऑप्शन ए है कांगड़ा शैली, ऑप्शन बी है मुगल शैली, ऑप्शन सी है अजंता शैली, ऑप्शन डी है किशनगढ़ शैली। 19 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली। 20 ईरानी चित्रकारों को भारत में कौन लाया। ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी, हिमाऊ, बाबर, जहांगीर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 को हो जाएगा हिमाऊ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए हैं। ऑप्शन दिया है समरेंद्रनाथ गुप्त, नंदलाल बोस, के एन मजूमदार, राजा रवि वर्मा। 21
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन 22, 1924 में सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने किया था? ऑप्शन दिया ई बी हैबल, फागुर्सन, सर डॉक्टर जेम्स ग्रिफिथ। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर डॉक्टर जेम्स। क्वेश्चन 23 है, किस प्राचीन ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख है? ऑप्शन दिया कामसूत्र, शिव सूत्र, नाट सूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा ए कामसूत्र, ऑप्शन नंबर ए। आप क्वेश्चन नंबर 24 है, 112 बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? ऑप्शन दिया है सुलह कुल, दीने अकबरी, इस्लाम, दीने इलाही। क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीन इलाही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 25 कह रहा है, कलाना प्रावर चित्र किस ग्रंथ का है? ऑप्शन दिए कामसूत्र, राय पसेंडी, त्रिपिटक, विष्णु धर्मोत्तर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 26, बसोहली चित्रों में किस तत्व की प्रधानता है? ऑप्शन है शास्त्रीय, मुगल प्रभाव, फारसी प्रभाव, लोक तत्व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का लोक तत्व। क्वेश्चन 27, हस्त जातक चित्र किस अजंता गुफा में मिलते हैं? ऑप्शन दिया है गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 2। 27 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुफा नंबर 16। 28, निकोलस रोरिक कौन थे? ऑप्शन दिया है ब्रिटिश के थे, रूस के थे, या स्विस से थे, या जर्मन के थे। 28, निकोलस रोरिक या रूसी थे। 29, मुल्क राज आनंद क्या हैं? चित्रकार हैं, कला समीक्षक हैं, फुटबॉलर हैं, राजनीतिक हैं। मुकल राज आनंद। 29, ऑप्शन नंबर यह है बी, कला समीक्षक हैं। 30, अकबर के शासन काल में द्रौपद गायक सम्मिलित है? ऑप्शन दिया है बिलास खां, सूरदास, हरिदास, तानसेन। 30, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तानसेन, द्रौपद गायक पूछ रहा है, सम्मिलित हैं। क्वेश्चन 31, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था किस स्थान पर? ऑप्शन दिया है वैशाली, बोधगया, राजगृह, सारनाथ में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। 32, गांधी जी ने डांडी मार्च प्रारंभ किया था? ऑप्शन दिया है अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए, या हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने डंडी मार्च यात्रा प्रारंभ किया था। क्वेश्चन 33 है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया है? ऑप्शन दिया है साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जाफर। 33, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल। कौन सा रंग गर्म होता है? ऑप्शन दिया है काला, नीला, पीला, लाल। क्वेश्चन नंबर 34, यह गर्म लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, करा खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? ऑप्शन दिया है पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
तो प्रांत पूछ रहा है, खजुराहो का मंदिर जो है वो एमपी मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है स्टोन से इम्प्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है प्लानोग्राफी प्रिंटिंग, इंटरलिग्लियो प्रिंटिंग, इंग्रेविंग प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 36, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 37, वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपे थे। ऑप्शन दिया है इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, चीन। वुड ब्लॉक, इसका जो 37 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में प्रारंभ किया था। कैरियर की बात कर रहा है, सिनेमा पोस्टर कट आउट पेंटर के रूप में। ऑप्शन दिया सतीश गुजराल, एन एस बेंद्रे, एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम एफ हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे। पूछ रहा नहीं थे, ऑप्शन दिया के सी एस पानीकर, देवी प्रसाद राज चौधरी, आर कृष्ण राय, दिनकर कौशिक। 39, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिनकर कौशिक। के सी पानीकर भी थे, देवी प्रसाद भी थे, आर कृष्ण राय भी थे, लेकिन दिनकर कौशिक नहीं थे। यही होगा ऑप्शन सही डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुगल चित्रकला विकसित हुई थी किसके शासनकाल में। ऑप्शन दिया बाबर, अकबर, औरंगजेब, हिमाऊ। 40, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के काल में मुगल चित्रकला विकसित हुई थी तेजी से। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 41, मंतीस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है। डांस, ऑप्शन दिया है लूब्र पेरिस, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, नेशनल गैलरी लंदन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजिक न्यूयॉर्क में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूजिक ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है डांस, मंतीस का। क्वेश्चन नंबर 42 है, लास्ट है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली के संस्थापक स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन दिया है 1936, 1928, 1947, 1954। ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की। तो आज यहीं तक, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यह श्रृंखला टोटल हम लोग 5375 क्वेश्चन देखेंगे, 5375 क्वेश्चन। आप लोग यह श्रृंखला ज़रूर देखिए, आगे आने वाले और क्वेश्चन और बेहतर इससे होंगे। तो आज यहीं तक, आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ क्यूज होता है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आज यहीं तक, हाँ।